अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं नाम सुमैना, आप देख रहे हैं माई रिएक्शंस। तो जी आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स की, स्पेशली जूट गुड्स। ठीक है, जूट बेसिकली एक थ्रेड्स होता है, बहुत सॉफ्ट सा थ्रेड होता है। ठीक है, उसकी गुड्स बनाई जाती है, उसकी चीजें बनाई जाती हैं, तो जो कि बहुत ज्यादा पसंद की जा रही है पूरी दुनिया में, उनको बहुत ज्यादा पजीराई मिल रही है। बेसिकली अगर आप गूगल पे जाके जूट गुड्स लिखेंगे तो आपको सबसे जो पहली जो है ना सर्च मिलेगी, एक्सपोर्ट्स ऑफ बांग्लादेश। ये मैं आपको चीज बता रही हूँ, आप अभी जाएं गूगल पे सर्च करें जूट गुड्स, ठीक है, आगे खुद ही लिखा हुआ आएगा एक्सपोर्ट्स ऑफ बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स की मांग इतनी बढ़ गई है जूट गुड्स की के आपकी सोच है। तो ये एक बेसिकली एक एग्जीबिशन हुई है, एग्जीबिशन कहेंगे इसको, सारी दुनिया के बहुत सारे ममालिक ने वहां पे अपनी जो चीजें हैं उनको शो ऑफ किया, शोकेस किया। ठीक है, सो वहां पे बांग्लादेश की जो जूट गुड्स हैं उनको बहुत 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 ज्यादा पसंद किया गया, सबसे ज्यादा पसंद किया गया है। तो इस पे ये रिपोर्ट है इंडियन मीडिया की और वो इस पे मजीद इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं। ये वीडियो पहले देख लेते हैं, फिर इस पे मैं मजीद बात करूंगी और ये जो इंफॉर्मेशन देंगे उस पे मैं अपनी ओपिनियन आप लोगों से शेयर करूंगी। तो इससे पहले कि हम वीडियो देखें, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके और पे क्लिक कर लें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को लाजमी नोटिफिकेशन मिले। सो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। दोस्तों, मैं दिनेश की ओर, आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम के अंदर। चाइना में एक एग्जीबिशन लगी 3 दिन की, जिसके अंदर बांग्लादेश के जो जूट कुट्स और हैंडीक्राफ्ट, दे हैव वन द हार्ट्स ऑफ द पीपल इन दैट फेयर। ये एग्जीबिशन थी 2021 यूरो एशिया इकोनॉमिक फोरम इकोनॉमिक एंड ट्रेड कोऑपरेशन एक्सपो एंड चाइना शांक्सी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कमोडिटीज एग्जीबिशन। बहुत सारे कंट्रीज इसमें भाग लिया है, जिसमें कि यूएसए, ग्रीस, चेकोस्लोवाकिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, कोरिया, जापान, वियतनाम, ब्रिटेन, बेल्जियम, रशिया, नेपाल, लाटविया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, आर्मेनिया, अफगानिस्तान, बहुत कंट्री आए हैं। लेकिन बांग्लादेश के जो जूट गुड्स हैं उनको बहुत तारीफ मिली है और ऐसा लगता है कि वहाँ पर उनको ऑर्डर्स भी मिले हैं वहाँ पर, क्योंकि बहुत खूबसूरत थी ये सारे के सारे जो जूट गुड्स थे वहाँ पे जो शोकेस किए गए थे। इसमें बैग्स, बास्केट्स, गिफ्ट आइटम, ऑर्नामेंट, हैंडीक्राफ्ट्स, बहुत कुछ थे जूट के हैं। और बांग्लादेश के जूट गुड्स जो हैं वो अपने आप में नायाब हैं और दे लुक ब्यूटीफुल एंड दे हैव गॉट वेरी गुड वर्ल्ड मार्केट ऑल्सो। शुक्रिया। ओके जी, ये वीडियो देखी आप लोगों ने और बांग्लादेश की जो जूट गुड्स हैं उनको बहुत 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 ज्यादा पसंद किया है। चाइना में जो एग्जीबिशन हुई, ठीक है, वहां पे इतनी सारी कंट्रीज जो है अपनी गुड्स लेके वहां पे उन्होंने उसको शो ऑफ किया, और लेकिन सबसे ज्यादा जो चीज लोगों को पसंद आई वो बांग्लादेश की जूट गुड्स थी। और ये एक कोई छोटी अचीवमेंट नहीं, बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरी तरफ से। बहुत 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 ज्यादा कंग्रेट्स बांग्लादेश को। और बांग्लादेश, ये मैं बेसिकली ना, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है जूट गुड्स किस टाइप की बांग्लादेश में बनती है, ठीक है, अभी मैं सर्च करके ना फिर मैं देखती हूँ किस किस टाइप की जूट गुड्स हैं जो कि चाइना में एग्जीबिशन में ला के दिखाई गई है, ठीक है। आई एम श्योर आई वुड लव देम। और अच्छा लगे ये वीडियो देख के, आई एम श्योर आप लोगों को बहुत प्राउड फील हो रहा होगा ये वीडियो देख के और ये न्यूज सुन के। सो लाजमी आप लोगों ने मेरे वीडियो को करना है लाइक और शेयर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। हमें चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन लाजमी मिले। सो वीडियो को यहीं पे खत्म करूंगी। अगर आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सो जल्दी से जाओ मुझे इंस्टा पर फॉलो करें। आप इससे होते हैं, ठीक है, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।